हाय फ्रेंड, आपका मेरे नटिंग टिप्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको ये देखिए ऐसा डिजाइन बनाना सिखाऊंगी, ये वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी जल्दी में बनने वाला डिजाइन है। ये देखिए, सीधी साइड में ऐसा दिखता है और बैक साइड में ऐसा बनेगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए फंदे रखने होंगे आपने 3+3, ऐसे तीन तीन के हिसाब से फंदे डाल लीजिए। आप इस डिजाइन को किसी भी स्वेटर कोटी में बनाएंगे, बहुत ही सुंदर बनेगा। जी देखिए, चलिए डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। सीधी साइड अब हमारे डिजाइन की पहली सिलाई बनेगी। जैसे मैंने जी उल्टे फंदे बनाए ने, सेम रो बनेंगे। पहली सिलाई उल्टी, ऐसे देखिए पहली सिलाई सभी फंदे में उल्टे बनाए बैक साइड। अब देखिए दो नंबर सिलाई बनाएंगे बैक साइड में। पहला फंदा ऐसे उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, और बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। बैक साइड रो में सभी फंदे हमारे ऐसे सीधे बनेंगे। इस फंदों को आप थोड़ा सा लूज बनाएं ऐसे। ये देखिए धागा आगे, लास्ट फंदा उल्टा बना देंगे। ऐसे मेरी दो सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड, सीधी साइड तीन नंबर सिलाई बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला फंदा इसे सीधा बना देंगे। पहला फंदा सीधा बनाया, एक और दो, दो फंदों को ऐसे पीछे की ओर सिलाई डालेंगे। एक साथ बुनाई करेंगे, दो फंदे एक साथ बुनाई की। अब देखिए ऊन को ऐसे लपेट लेंगे, इन तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे। ऐसे पीछे की ओर सिलाई डालेंगे, तीन फंदे लेंगे, तीन फंदों को एक साथ गिराएंगे ऐसे। अब इन तीन फंदों को उतार देंगे, फिर से दो फंदे लेंगे ऐसे, पीछे की ओर सिलाई डालेंगे, दो फंदे एक साथ लेंगे ऐसे, उनको ऐसे लपेटेंगे। अब इन तीन फंदों का ऐसे तीन फंदे लेंगे, तीन फंदे एक साथ बुनेंगे ऐसे। ये देखिए तीन फंदे से हमें ये तीन फंदे बना रहे, ये हमारे तीन फंदे आ गए। इन तीन फंदों को उतार देंगे ऐसे, दो फंदे ऐसे लेंगे एक साथ बुनेंगे। ऊन को ऐसे लपेटेंगे, इसे तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे, देखिए उतार देंगे।
तीन फंदे लेंगे ऐसे पीछे की ओर सीधा बांध देंगे, लास्ट बचेंगे ऐसे दो फंदे, दो फंदों को सीधा बनाएंगे, एक दो, ऐसे हमारी तीन नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक साइड नंबर चार सिलाई बनाएंगे, पहला फंदा हम उल्टा बना देंगे, एक फंदा हमें उल्टा बनाया, अब ऐसे इन फंदों को भी हम एक एक करके उल्टा बुनाएंगे, एक दो और तीन, ऐसे तीन तीन फंदों का जो सेट है, ऐसे एक दो और तीन, एक दो तीन, सभी फंदों को हम ऐसे उल्टा ही बुनाएंगे। ये देखिए ऐसे हमारी चार नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी साइड। अब हमारी पांच नंबर सिलाई बनेगी, पहला फंदा ऐसे सीधा बुन देंगे। अब देखिए इस वाले फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए ऐसे हमें दो फंदे बनाए। अब देखिए इन तीन फंदों पर डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन हमारा सेम बनेगा जैसे मैंने पहले बताया है, दो फंदे एक साथ लेंगे, ये देखिए तीन फंदों को उतार देंगे, इन दो फंदों को लेंगे, ऐसे ऐसे हम सभी फंदों को कंप्लीट करेंगे। देखिए तीन फंदे लेंगे और तीन फंदों को एक साथ, ऐसे दो फंदे लेंगे ऐसे, लास्ट रहेगा एक फंदा, आप इसे सीधा बना देंगे। ऐसे हमारी पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई, बैक साइड छठी सिलाई उल्टी ही बनेंगी। ये देखिए छठी सिलाई कंप्लीट हो गई, सीधी साइड सातवीं सिलाई बनाएंगे। सातवीं सिलाई में पहला फंदा सीधा। अब हमारे जैसे पहले देखिए तीन नंबर सिलाई बनाई थी सेम ये वाली रो बनेगी, थर्ड रो जैसी, पहले दो फंदों को लेंगे, अब इन तीन फंदों को ऐसे तीन फंदे लेंगे, तीन फंदे एक साथ बुनेंगे, ये देखिए तीन फंदे आगे इन फंदों को उतार देंगे, दो दो फंदों को एक साथ ऊन कर लपेटेंगे, इन तीन फंदों को एक बना देंगे ऐसे। सॉरी
लास्ट रहेंगे दो फंदे, आप इसे सीधा बना देंगे। सातवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई बैक साइड। आठवीं सिलाई बनाएंगे, आठवीं सिलाई में सभी फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे। आठ सिलाई ऐसे हमारी कंप्लीट होगी। अब सीधी साइड नौवीं सिलाई बनेगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बनाई थी वैसे उल्टी सिलाई। पहला फंदा सीधा, धागा आगे लेके आएंगे, नौवीं सिलाई को सभी फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे। लास्ट फंदा सीधा, ऐसे नौवीं सिलाई कंप्लीट हो गई और बैक साइड में दसवीं सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उल्टा बना देंगे, धागा पीछे, सभी फंदे बैक साइड में सीधे बनाएंगे ऐसे। लास्ट फंदा उल्टा, ये देखिए फ्रेंड हमारा ये दस लाइनें कंप्लीट हो गई। ऐसे हमारा ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। आपने इतनी दस लाइनों को रिपीट करना होगा। गैप के लिए आपने मर्जी से फंदे सिलाइयाँ बनाएंगे, जितना भी आप गैप रखना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से आप सिलाइयाँ बनाएंगे। जैसे देखिए जैसे मैंने ये बीच में गैप रखा हुआ, ये हमारा छह सिलाइयों का गैप है ऐसे। फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।